बिहार में गर्मियों का मौसम है, मगर ये गर्मियां तब और बढ़ जाती हैं जब बिहार में सियासी तापमान ऊंचाई पर हो। लोकसभा चुनाव है और बिहार में विवादास्पद टिप्पणियों का दौर जारी है। इसी बीच बिहार में सबसे हॉट सीट माने जा रहे हैं बेगूसराय में फिर से एक बार विवादास्पद बयान आ गया है। जेएनयू की पूर्व छात्र नेत्री शेहला रशीद द्वारा दिए गए बयान पर गिरिराज सिंह ने आपत्ति जताई है और साथ ही विरोधियों पर पलटवार भी किया है। बुधवार को बरौनी के चमरिया में एक जनसभा के दौरान शेहला रशीद ने सार्वजनिक मंच से हिंदू और मुस्लिमों द्वारा शाम में एक ही होटल में बैठकर बीफ खाने और शराब पीने की बात कही थी। अब भाजपा के लोग शेहला के इस बयान को आड़े हाथों लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। गिरिराज ने कहा कि शेहला रशीद द्वारा हिंदू धर्म को गाली दी जा रही है और हिंदू भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। ये सब बस कन्हैया को जिताने के लिए किया जा रहा है। अब इस सब के बाद भी विपक्ष पार्टी पूरे मसले पर चुप क्यों है? उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर शेहला रशीद को एक बार फिर से कोर्ट में जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रशासन पर भी पलटवार करते हुए कहा कि जब मेरे द्वारा कोई बयान दिया जाता है उस पर चुनाव आयोग तथा प्रशासन तुरंत संज्ञान लेता है। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों द्वारा भी अनाप शनाप बयानों का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन शेहला रशीद द्वारा सार्वजनिक मंच से जिस तरह से हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया गया है और हिंदुओं के विषय में इस तरह की बात की गई है कि बीफ खाना और शराब पीने जैसी बात कही गई, अब इस मुद्दे पर विरोध क्यों नहीं हो रहा? इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सब वोट के लिए किया जा रहा है और कहा कि वोट के लिए लोग हिंदुओं को गाली देना और अपमानित करना बंद करें। उन्होंने कहा कि रशीद के बयान से धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचती है और हर धर्म की अपनी एक मर्यादा होती है, इस मर्यादा को पार न किया जाए। हम गाय को पूजते हैं न कि उनके मांस को खाते हैं। हालात ये है कि गिरिराज सिंह अगर चूँ भी बोलते हैं तो बेगूसराय में उनको गालियाँ पड़नी शुरू हो जा रही हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर लगातार पलटवार हो रहा है, खासतौर के तब जब उन्हीं के गठबंधन के लोग जदयू के नेता के सी त्यागी खुलकर बोलते हैं कि उनकी नामांकन को कैंसिल कर देना चाहिए। इस पर कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह भड़के हुए। पहले ही नवादा से उनको भेजा गया था बेगूसराय, इस बात पर वो अपनी पार्टी से भड़के हुए थे और बाद में चिराग पासवान और के सी त्यागी ने जिस तरह से उन पर हमला बोला था, कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह आहत है। अब शेहला रशीद के बयान को एक बार फिर से तवज्जो देते हुए गिरिराज ने कहा है सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये तय करें कि कहीं ना कहीं इस तरह के बयान न दिए जाए और जो देते हैं इस तरह के बयान उन पर कार्रवाई हो। बड़े न्यूज़ बिहार पर खबरों का सिलसिला इस तरह से जारी रहेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये खबर पहुंच सके।